हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिस लर्निंग सो यू कैन सी हियर दिस इज सिलेक्टेड लिस्ट फॉर एमएड एड ओके दिस इज सिलेक्टेड लिस्ट फॉर एमएड एड एंड दिस इज फ्रॉम आरआई भुवनेश्वर तो आरआई भुवनेश्वर की तरफ से टू ईयर एमएड का भी सिलेक्टेड लिस्ट पब्लिश किया गया है आप देख सकते हो एटीन नवंबर को यह पब्लिश हुआ है तो आपका डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है ठीक है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो वट आर द डॉक्यूमेंट्स दैन यू यू नीड टू सबमिट एंड व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर एम एड डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक दिखना है और जो भी इस चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना और जितने भी आपके दोस्त होंगे उनके साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी हेल्प मिले हमारे इस वीडियो से हमारे इस चैनल से अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो के एंड में हम आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आर आई सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उन उनको स्टडी मटेरियल हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं उन सबके बारे में हम वीडियो के एंड में भी डिस्कस करने वाले हैं तो उसको भी जरूर देखना वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू ईयर एम का जो ऑफलाइन देखो यहाँ पे फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है तो आपका काउंसलिंग ऑनलाइन आप नहीं होगा आपका काउंसलिंग क्या होगा आपका काउंसलिंग जो है या फिर आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन होगा ठीक है आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा ठीक है एक तारीख कब जाना है फर्स्ट दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है विथ फी स्ट्रक्चर आपको पैसे लेके जाने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो आपके साथ लेके जाने जितने फी मैं यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसको भी आपको देखना है कितना फी लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ तो वीडियो को अच्छे से देखो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का नाम है आप सबको फर्स्ट दिसंबर तक जाना है तो अभी से आप टिकट कर सकते हो एक दिसंबर को आपका एडमिशन होगा सिलेक्टेड वालों का ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीप्ति मई सैनिक उषा नवीन गुरप्रीत निशा दीपा अंजलि ठीक है कृष्णा कुंजबिहारी शुभेंदु सविता आशुतोष साबुद्दीन उदित प्रति प्रतिभा आकाश एमडी डी सलाउद्दीन अनामिका संतोष प्रियंका ठीक है प्रणब घोष निशा सुकन्या रिया सुभाश्री ब्यूटी देवोलिना ठीक है इजाज अपराजिता कृष्णकांत ममता जुरंजय सौरभ अजय त्रिपुरा त्रि, त्रिपुरा यस इन सब लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है आर सी के तरफ से आर आई भुवनेश्वर के तरफ से टू ईयर एम के लिए इन सब लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो सब लोगों सब को कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको फर्स्ट डिसम्बर वहां पे प्रेजेंट रहना है विथ योर डॉक्यूमेंट्स जो मैं यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एंड विद द अमाउंट फी अमाउंट वो यहाँ पे आप डिटेल देखो इसको ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे आपको अपना जो रैंक कार्ड है जो रैंक कार्ड या रैंक लिस्ट है ठीक है रैंक कार्ड अगर आपको नहीं आप अगर आपके पास रैंक कार्ड देखो रैंक कार्ड अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ठीक है अगर रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप जो रैंक लिस्ट है जिसमें जिसमें आपका नाम है मतलब ई पट यही पी डी ये जो पी डी मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस किया उसी पर्टिकुलर पी जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा इसको भी आप अपलोड कर सकते हो अपने साथ लेके जा सकते हो ठीक है आपको लेके जाना है क्योंकि ये ऑनलाइन तो अपलोड नहीं करना है ये आप यहाँ पे आपको फिजिकली जाना होगा तो आप उसका प्रिंटआउट निकाल लेना ठीक है फिजिकली या फिर ऑफलाइन फिजिकल या ऑफलाइन मोड में आपका जो हो रहा है इसलिए आप इसका क्या करना इसका प्रिंट प्रिंट आउट आउट निकाल लेना ठीक है क्या निकाल लेना आपको प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अब ये भी बच्चे पूछते हैं कि कुछ कुछ बच्चे सर ये हमको कहाँ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लॉग इन करोगे आर का ऑफिशियल वेबसाइट में जब लॉग इन करोगे लॉग इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो रैंक कार्ड भी वैसे डाउनलोड कर सकते हो अगर रैंक कार्ड नहीं है तो ये जो रैंक लिस्ट है जो पी डी डिस्कस किया वो आप लेके जा सकते हो उसके साथ ओरिजिनल सी एल सी या एस एल सी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट जो भी है या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी है तो इन सिंपल इसको हम बोल सकते हैं टी आपको टी का प्रिंट ओरिजिनल आपको लेके जाना है उसका कुछ फोटो कॉपीज भी आप अपने साथ रख सकते हो ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट सी ठीक है सीसी कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट जहां आप लास्ट पढ़ रहे थे अगर कहीं और आपने एडमिशन कर लिया है ट्वेल्थ के बाद या सॉरी ग्रेजुएशन के बाद कहीं और और पर एडमिशन कर लिया है और जगह पे लाइक पीजी कर रहे हो तो अगर वहाँ छोड़ के आप आर आई ज्वाइन करना चाहते हो तो उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में टी सी एन सी सी एक होता है तो अगर एक है तो एक आपको देना है अलग अलग है तो अलग अलग देना है उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करना है टेंथ से लेकर ट्वेल्थ तक ठीक है टेंथ और ट्वेल्थ दोनों का आपका ऑरिजिनल मार्क्स से सबमिट करना है उसके बाद आपका सॉरी टेंथ से लेके ग्रेजुएशन तक तो टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लेके चलो ठीक है ग्रेजुएशन हो गया तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑरिजिनल आपको लेके चलो मतलब जितना भी आपका डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हो वो लेके चलो साथ ही आपका टेंथ और ट्वेल्थ का भी लेना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपका मार्कशीट और और सर्टिफिकेट दोनों देखो कुछ कुछ लोगों का मार्कशीट सर्टिफिकेट सेम होता है कुछ लोगों का अलग होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है स्कूल की तरफ से जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला है सब कुछ लेके जाना है देखो एक और चीज़ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए मतलब जिसको हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं तो कोई डॉक्टर अगर आपके पास होंगे तो वहाँ उनसे ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा के लेके जा सकते हो ठीक है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन असिस्टेंट सर्जन के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए ठीक है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर आप जनरल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है ओबीसी है ओबीसी नॉन क्रीमी है तो आपको चाहिए एस सी है तो भी आपको चाहिए होगा ईडब्ल्यू एस तो भी आपको चाहिए याद रखो वो तहसीलदार ठीक है उससे नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर किससे आप इशू कर सकते हो मजिस्ट्रेट कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर और एनी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इसका ध्यान रखो ठीक है एंड ओबीसी हो तो भी नॉन क्रीमी का चाहिए क्रीमी लेयर का नहीं होगा कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन नहीं मिलता है नॉन क्रीमी का ही मिलता है अब क्रीमी नॉन क्रीमी क्या है जिनका ज्यादा सैलरी होता है एट लैख या समथिंग आई थिंक एट लैख है एट लैख से ज्यादा जिनका सैलरी होता है उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है उससे कम जिन, जिनका पेरेंट्स का सैलरी जिनका एट लाख से कम होता है उनको नॉन क्रीमी बोला जाता है ये शायद साथ सिक्स है थोड़ा आप चेक करके कंफर्म कर लेना ठीक है रेसिडेंशियल और नेटिविटी सर्टिफिकेट भी चाहिए ठीक है ये डेफिनेटली चाहिए आपको सबको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वाले को नहीं चाहिए लेकिन रेसिडेंशियल सबको चाहिए ये भी तहसीलदार के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए अगर पीडब्ल्यूडी हो तो वो भी सीडीएमओ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से बिलो रैंक का इशू किया हुआ नहीं होना चाहिए सीडीएमओ से एटलीस्ट आप इशू करना है आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ठीक है इनकम सर्टिफिकेट भी आपका पेरेंट्स का चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर स्कॉलरशिप के लिए नहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आप इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओ ये भी तहसीलदार का बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो मतलब लाइक उत्कल यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए ठीक है उत्कल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है एक एफिडेविट का भी जरूरत है ऑनरेबल कोड या नोटरी से नोटरी पब्लिक दैट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबमिटेड बाय यू आर जेन्यून तो एक नोटरी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा एफिडेविट आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट नहीं नोटरी का क्या एफिडेविट आपको चाहिए एक अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयड हो मतलब कहीं पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपको रिलीविंग ऑर्डर चाहिए होगा रिलीविंग ऑर्डर जो होता है ठीक है रिलीविंग ऑर्डर रिलीव आपको चाहिए तीन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए और वन सेट ऑफ जितने भी यहाँ पे अप टू थर्टीन जितने भी आपने आपके साथ मैंने डिस्कस किया जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल उन सब का जेरोक्स आपको चाहिए उन सब का दो सेट कर लेना अपने पास ठीक है एक सेट उनको देना पड़ेगा दो सेट कर लेना एक सेट अपने पास रखना एक्स्ट्रा तो वन सेट बोला है तो दो सेट आप लेके चलो ठीक है तो सब कुछ का आपका दो सेट जेरोक्स रख लेना वन सेट वहां पर देना पड़ेगा एक अपने पास रखना है ठीक है क्लियर अगर कुछ गलती है तो फिर सीट आपको नहीं मिलेगा दूसरे किसी को मिल जाएगा याद रखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देके काम नहीं होता है ठीक है ना कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद देखो कितने पेमेंट कितना करना है फी पेमेंट कितना करना है तो यहाँ पे भी जितना फी लिखा हुआ होगा उतना ही फी पेमेंट करना है ठीक है तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो फी पेमेंट कितना करना है तो आपको ये सब पैसे तो पहले से देने पड़ेंगे ये जो फोर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टीन रुपीज जो है ना वो आपको साल का देना पड़ता है ठीक है इसमें जो एस सी एस टी होते हैं उनका फाइव थाउजेंड ये जो ट्यूशन फी है ना यहाँ पे देखो साफ 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 लिखा है एस सी एस टी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फी मतलब यहाँ से आपका 5,000 हजार माइनस हो जाएगा ठीक है तो जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी इनको एन पी डब्ल्यू डी भी इनको देना पड़ेगा 14, 14, आपको देना पड़ेगा। अगर आप एस सी या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा नाइन थाउजेंडन हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज ठीक है इतना आपको देना पड़ेगा ठीक है तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखो जो हॉस्टल ये तो ये का था, ठीक है? मतलब जिनको हॉस्टल्स चाहिए उनको भी देना है जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए उनको भी देना है ठीक है तो ये यहाँ पे ये हॉस्टल्स का फी नहीं ये ये आपका कॉलेज का फी है ये जो यहाँ पे मैंने लिखा आपका ये फोर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव ओके वन हंड्रेड फिफ्टी जो है आपका ये कॉलेज का फी है ठीक है ये ये किसका फी है कॉलेज का एनुअल फी है कुछ कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा ऐसा बोलते हैं ठीक है थीके? तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है इतना ही आपका लगता है तो ये कॉलेज का फी है एक साल का एनुअल कॉलेज फी इतना है ठीक है क्लियर एनुअल कॉलेज फी उसके बाद कोई हौस, जो हॉस्टलर्स देखो हॉस्टल सबको मिलता है यहाँ पे मैं सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हॉस्टल सबको मिलता है कि नहीं तो हॉस्टल सबको मिलता है ठीक है आरे भुवनेश्वर में चार हॉस्टल है उसमें से एक है बॉयज हॉस्टल और बाकी तीन जो है वो क्या है गर्ल्स हॉस्टल है ठीक है तो बॉयज हॉस्टल का नाम जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इसका नाम है होमी बाबा हॉस्टल ठीक है हमारा जो बॉयज हॉस्टल का नाम है होमी बाबा हॉस्टल तो हम भी क्योंकि वहीं पर रहते थे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ चार हॉस्टल में एक यहाँ पे क्या है बॉयज का है और तीन यहाँ पे क्या है गर्ल्स का है तो बॉयज हॉस्टल होमी बाबा है और गर्ल्स के लिए रामानुजम आशुतोष और गोपबंधु ये तीन हॉस्टल है ठीक है क्लियर तो हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आपको कसन मनी देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है तो इंस्टीट्यूट कसन मनी वन थाउजेंड एंड हॉस्टल कसन मनी वन हंड्रेड तो ये बाद में रिफंड हो जाते हैं बाकी यूनिवर्सिटी फी जो है वो आपका सबको देना पड़ेगा ये सबको देना है ठीक है स्पोर्ट्स फी रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन फी एनएसएस फी कॉलेज डेवलपमेंट फंड ये सबको देना पड़ेगा तो ये भी एनुअल कॉलेज फी के अंदर आप जोड़ सकते हो और ये हॉस्टल फी जो मेस का जो फी है ये एक्स्ट्रा है ये जो हॉस्टल में रहेंगे उनको देना है इक्कीस पर मंथ आपको देना पड़ता है तो दो महीने का मेस एडवांस आपको देना है चार हजार चार्जेस जो है सात हज़ार है और कल्चरल एक्टिविटी के लिए चार्जेस जो है पाँच है टोटल इलेवन ये आपको पहले से देना पड़ेगा मतलब फोर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव रुपीज़ प्लस वन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ प्लस आपका टू थर्टी रुपीज़ प्लस आपका एलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज इतना आपको देना है ये किसको देना है ये हॉस्टलर्स को देना है ठीक है ये हॉस्टलर्स को देना है और डे डेस्कॉलर्स को कितना देना है डे स्कॉलर्स को डे डेस्कॉलर्स को फोर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव रुपीज़ प्लस यहाँ पे टू थर्टी रुपीज इतना देना है ठीक है तो ये तो मैं किस किन किन का बता रहा हूँ ये जनरल ओ वी सी पी डब्ल्यू डी और ई डब्ल्यू एस इन लोगों का ये है ठीक है तो सब कुछ अच्छे से देख लो ठीक है इस वीडियो को क्लियरली देख लो ताकि आपका क्लियर हो जाएगा इतना मेहनत इतना मेहनत करके मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो तो आपको अच्छे से देखना चाहिए तो ये जो है ये आपका हो जाता है फोर्टीन थाउजेंड थ्री एटी फाइव रुपीज़ ये आपका डिस्कॉलर्स वालों के लिए और हॉस्टल वालों के लिए कितना होगा हॉस्टल वालों के लिए होगा यहाँ पे मैं एक पूरा कैलकुलेट करके आपके लिए बना रहा हूँ ठीक है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री एटी फाइव रुपीज़ आपको पहले से लेके जाना होगा तो लगभग तीस हज़ार रुपये आपको लेके जाना है इतना आपको जमा करना है ठीक है क्लियर तो इसके ऊपर ध्यान रखो ये हॉस्टलर्स के लिए डेस्कुलर्स के लिए अब यहाँ से पाँच हज़ार माइनस कर दो ठीक है जो एस सी एस टी का है उनको क्या करना है यहाँ से पाँच हज़ार रुपये माइनस कर देना है तो यहाँ से अगर पाँच हज़ार आप माइनस करते हो तो आपका हो जाता है बाईस हज़ार थ्री एटी फाइव रुपीज़ ठीक है तीन सौ पच्चीस रुपये और यहाँ पे तो आपको पता है तो इससे नौ हजार तीन सौ पंचासी रुपया आपका होगा तो ये आपका हो गया क्या डेस्कोलर्स के लिए इतना फी है टोटल इससे ज़्यादा आपको देना नहीं है एक साल का ठीक है ये नॉर्मल जनरल ओवीसी डब्ल्यू एस के लिए और ये एस सी के लिए और हॉस्टल्स वालों के लिए और कितना पैसा लगेगा तो यहाँ पे तो आपने देखा कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री एटी फाइव रुपीज था लेकिन मे से एडवांस जो है ये दो महीने का था तो लगभग आपका दस महीने का चलता है और महीने का कितना है महीने का कितना है इक्कीस सौ रुपया है तो दो महीने का तो हो गया बाकी आठ महीने का यहाँ पे अगर इंटू करोगे तो और आपको, आपको देना है ठीक है तो अगर इसके साथ आप 20, को प्लस करोगे तो आपका कितना होता है थर्टी नाइन थाउजेंड एट वन एटी फाइव मतलब आपका ऑन एन एवरेज आपको चालीस हजार ही आपको लग रहा है पूरा एक साल का पढ़ना खाना पीना रहना सब कुछ आपका चालीस हजार में हो रहा है ठीक है लेकिन जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे सिर्फ पढ़ने का ही पैसा पचास हजार होता है हॉस्टल्स को अलग ठीक है हॉस्टल का पैसा अलग लगता है तो ये ध्यान रखो कुछ कुछ आपको बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है ऐसा नहीं है सिर्फ आपको फोर्टी थाउजेंड ही एक साल का पूरा खर्चा अगर हॉस्टल है तो उतना लगता है और हॉस्टल नहीं हो तो सिर्फ उतना इतना ही आपका लगेगा तो फोर्टीन थाउजेंड थ्री एटी फाइव तो इसका ध्यान रखो आप तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जो हमारे मेंबर्स हैं वो हम अगर ईमेल वाले मेंबर हो तो ईमेल में आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के पेड मेंबर हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और हमारे अगर क्रैश कोर्स या कोई बैच ज्वाइन किए थे तो आप अपने जो रेस्पेक्टिव ग्रुप में डाउट्स पूछ सकते हो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर किसी को वैल्यू मिला अच्छा लगा जो गाइडेंस आपको हम हमने आपको प्रोवाइड किया तो वीडियो को लाइक करना दूसरों के साथ शेयर करना जो आगे जाके आर में पढ़ना चाहते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा हमारे इस वीडियो से इसके अलावा दोस्तों हम लोग आपको स्टडी मेटेरियल भी देते हैं ठीक है तो स्टडी मटेरियल्स भी आप ले सकते हो कंप्लीट स्टडी मेटेरियल्स आपको मिलता है आर आई के लिए ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में भी जो देना चाहते हैं या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में भी अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें जो तीन सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या है वो आपका है रीजनिंग ठीक है वो आपका क्या क्या रीजनिंग है इंग्लिश है और टीचिंग एप्टीट्यूड है ठीक है ये तीनों का आपका जो है थ्योरी मिलता है ये तीनों का थ्योरी थ्योरी में क्या मिलता है आपको शॉर्ट नोट्स मिलता है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं देते हम लोग शॉर्ट नोट जो आपको चाहिए आ रहा है एग्जाम क्रैक करने के लिए उसके साथ सबका एम मिलता है एम बुक एक थ्योरी बुक है एक एम सी बुक है और तीसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट प्रीवियस ईयर सारे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसका आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो जो कि अब आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा तो ये सब कुछ आपको मिलता है हमारे चैनल की तरफ से तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं वीकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हर वीक मंडे को हमारा टेस्ट होता है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो वीकली वीकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है ठीक है ना ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है मंडे में होता है मंडे को होता है वीकली टेस्ट सीरीज इसके अलावा आपको थर्टी मॉक टेस्ट भी मिलेगा इसी अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या या हमारे स्टडी uh, मेटेल लेते हो तो उस स्टडी मेटर लेने के साथ साथ अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो करते हो तो आपको थर्टी देखो वीकली तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट थर्टी मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम एग्जाम से पहले आपको क्या मिल रहा है थर्टी मॉक टेस्ट मिल रहा है बिफोर एग्जाम्स थर्टी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं इसके अलावा दोस्तों हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करें तो कंप्लीट अगर कोर्स आप लेते हो तो मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स परचेज करते हो अभी ठीक है तो इसके साथ तो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है इसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस यहाँ पे थर्टी जो मॉक टेस्ट है वो मिल रहे हैं ठीक है और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ साथ तो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रहे हैं ठीक है ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रहे हैं और अभी ऑफर है दोस्तों अगर नवंबर 30 से पहले नवंबर 30 से पहले अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसका जो प्राइस है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इसमें आपको फाइव हंड्रेड का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको सिर्फ फाइव थाउजेंड ही पे करने होंगे यू हैव टू पे ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज तो अगर आप नवंबर थर्टी 2021 से पहले अगर कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज आपको पे करना होगा और इसके साथ साथ भी आपके लिए एक एक स्पेशियल बेनिफिट ऑफर है ठीक है ना इसके साथ साथ भी आपको एक क्या मिल रहा है एक, एक आपको स्पेशियल बेनिफिट मिल रहा है ये स्पेशियल बेनिफिट क्या है कि सारे बच्चों को जो भी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स फाइव थाउजेंड रुपये का परचेज करते हैं उनको फ्री क्रैश कोर्स भी मिलेगा उनको क्या मिलेगा उनको फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा बिफोर एग्जाम जो बिफोर एग्जाम वन एंड हाफ मंथ या फिर अप्रोक्सीमेटली वन और टू मंथ का यहां पे आपका क्रैश कोर्स मिलेगा एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद जितना भी टाइम रहेगा अगर वन मंथ है तो वन मंथ का टू मंथ है तो टू मंथ का यहाँ पे जितना भी टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद जितना भी टाइम मिलता है उसका आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लेकिन ये ऑफर जो है दोस्तों जो नवंबर तीस से पहले ज्वाइन करते हैं उन लोगों के लिए है जो नवंबर तीस के बाद ज्वाइन करते हैं उनको ये स्पेशल बेनिफिट ऑफर नहीं मिलेगा और ना ही ये डिस्काउंट मिलेगा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो अभी सुपर फिफ्टी बैच में जो हमारा बैच का नाम भी मैं बता देता हूँ उसका तो नाम है सुपर फिफ्टी बैच अभी इसमें कुछ वैकेंट है सीट तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस वीडियो में इतना ही कुछ भी आपको ज्वाइन करना है कोई भी कोर्स लेना है स्टडी मेडल परचेज करना है तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डिटेल जान सकते हैं अगले वीडियो पे थैंक यू